नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो DUET का एग्जाम है अपना, वो मैथमेटिक्स वालों के लिए 21 अक्टूबर को होने वाला पेपर है, और वो 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी कि 12:30 to 2:30 तक आपका पेपर होगा। तो उसी पैटर्न पर देखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, प्री DUET मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट आपका होगा, ये मॉक टेस्ट 15 अक्टूबर को 12:30 to 2:30 तक होगा। और इस पेपर को इस टाइम पे लगाने का बस मतलब यही है कि आपके पास 5 दिन रहेंगे, तो आप 5 दिन में जो गलतियां आप मिस्टेक्स करते हो उनको आप रिवाइज कर सको अच्छे से। कुछ कॉन्सेप्ट आपको नए सीखने को मिलेंगे तो उनको भी आप अच्छे से देख सको, तो थोड़ा सफिशियंट टाइम होना चाहिए। लास्ट टाइम जैसे CUET का पेपर दिया था आप लोगों ने, तो बहुत से स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आ रही थी कि सर 2 घंटे कब निकल गए, पता नहीं चला, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो उनके साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई थी। और कुछ स्टूडेंट का तो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हुई, उनकी गड़बड़ भी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 दिन पहले अगर आप पेपर देते हैं तो आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं पूरा पूरा। और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है, आपने पढ़ लिए तो उनको अप्लाई करना भी सीख सकते हैं। और पूरा फुल लेंथ टेस्ट देने का मतलब यही है फुल लेंथ टेस्ट का, कि जैसे मान लो आपने 50 क्वेश्चन पूरे पेपर से आप करने वाले हो, तो अगर पूरा सिलेबस है उसमें से आपको कोई टॉपिक कैसे, जैसे आपने सीक्वेंस पढ़ा है अभी, आपको ध्यान नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करना है, अकाउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ा है, फंक्शन ऑफ सेवन वेरिएबल पढ़ा है, पूरा रिवाइज करने से अच्छा है कि इस पूरे टॉपिक से आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 10 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे तैयार है। और कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपका पढ़ा हुआ फिर भी नहीं होता, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा देखने के लिए जरूरी है। तो उस टाइप से आप हर पार्ट का कोई ना कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी 5 दिन के पास आपके पास सफिशियंट रहेगा। तो फुल लेंथ टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान नहीं थे उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए फुल लेंथ टेस्ट है वो एक बार देना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पूरे सिलेबस का आइडिया लग जाए, आप कुछ मिस्टेक्स नहीं करें। और पेपर दे देंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, अपन ने तो इसमें ऐसा ही पढ़ा था, PYQ में ऐसा रखा है और ये क्वेश्चन थोड़ा इससे रिलेटेड ही है। तो जो पेपर है वो देना बहुत ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि ताकि आपको पूरा सिलेबस का एक कहने की मतलब है कि पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ पूरा सिलेबस ऐसा है और इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं। और जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो सेम एज DUET की तरह ही होगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और वही मार्किंग होगी, 4 करेक्ट है -1 इनकरेक्ट करने पर मिल जाएंगे आप। पूरा पेपर पैटर्न सेम रहेगा और पेपर के बाद आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आपको पता लगे ना कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करा गया, आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, कहाँ पे मिस्टेक रह रही है, आपने कौन सी गलती करी थी, या आपने सही तरीके से करा, सॉल्यूशन कुछ और तरीके से मिल रहा है। तो 2 मेथड मिल जाएंगे आपको, कहने मतलब कि पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल में, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप वो डाउट पूछ भी सकते हैं। अब पेपर देना कैसे आपको, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे, वो आप 8947980643 पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पेमेंट का आपको अपना स्क्रीनशॉट लेना है और वो @exponential2531 पे सेंड कर दो, या यही नंबर है टेलीग्राम की तो इसी पे आप सेंड कर सकते हो, और अपना नाम और ईमेल आईडी भी बता देना। और इसके बाद अगर आपकी रैंक फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 100 रुपीज वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और सेकंड वाले को 50 कर दिए जाएंगे, तो आपके पास एक केस प्राइज जीतने का चांस भी है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन को चेक करने का मौका है, ताकि 5 दिन पहले आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि हाँ पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है और क्या क्या सिस्टम होने वाला है, आपने कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कुछ कौन सी गलतियों को सुधारना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कि आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, कि कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही है, तो वो सब आप एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर टेस्ट कैसे देना है कैसे देना है, तो इसके लिए आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पे आपको गूगल फॉर्म के थ्रू एक लिंक मिलेगा और वो 12:30 to 2:30 के बीच अवेलेबल रहेगा, तो उस टाइम पे आप पेपर देके अपने चेक कर सकते हैं और बाद में आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आप @exponentialmathematics2531 अपना टेलीग्राम चैनल ग्रुप है तो वहां पे भी अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं और इसके कमेंट करके पूछेंगे तब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू गिविंग टेस्ट अबाउट DUET, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कुछ कॉन्सेप्ट है। सो थैंक यू।